The Supreme Court recently stated that TV channels were using hate and all such spicy things to increase the TRPs. The Apex Court asked the government why it was a mute spectator and said it was a duty of a TV anchor to prevent hate speech from being aired. The standard of journalism in India, especially on TV channels, has been sinking to new lows every day. This is something we all discuss in our public and private conversations. But a recent incident in India has caused outrage among journalists. Almost all journalists know of the dirty realities of the media industry. But when it comes in the form of gut-wrenching confessions, the starkness of the reality comes to bite the community. A former journalist from a Hindi news channel recently said he is ashamed to call himself a journalist. He asks, how long can we kill our inner soul just to feed ourselves? What is he alleging about his news organization? And why is his story important? And as the Supreme Court has rightly asked, why is the government a mute spectator? Let's unbreak this news. Anil Yadav used to be a journalist with News Nation, a Hindi news channel. A few days back, he decided to make a shocking confession. Hear him out. पत्रकारिता करते हुए या यूं कहिए कि न्यूज चैनलों में काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। कई चैनलों में काम किया, न्यूज नेशन में 2012 में आया, न्यूज नेशन से जुड़ा 2012 में, 2014 में लखनऊ आ गया, यहाँ रिपोर्टिंग करने लगा। तो 8 साल तो लखनऊ में भी हो गए और 10 साल न्यूज नेशन के साथ तो हो ही गए। तो अभी जो हालात हैं पिछले 2-4-5 सालों से वो बड़े भयावह हैं। अब पत्रकार कहने में शर्माती है अपने आप को, रिपोर्टर कहने में शर्माती है, अब तो नौकर है, न्यूज चैनल की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनफ हो गया है और हो नहीं पाएगा। पेट के लिए इस जमीर को, जो अंदर का जमीर है, उसे कब तक मारेंगे? या फिर लग रहा है कि ये पूरी तरह से मर जाए जमीर, उससे पहले बचा लिया जाए इस जमीर को मरने से, क्योंकि जमीर मर गया तो शायद स्वयं ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। Anil Yadav has alleged that he received standing instructions from his organization to not report against the ruling government or its top leadership, to vilify the opposition and to deliberately showcase members of the Muslim community in a bad light. The मसला ये है कि न्यूज नेशन में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है, मन कर रहा है बोलने का किसी के खिलाफ या उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, उसकी कार्यकलापों के खिलाफ या उसका सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है, तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सबकी जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ, हिंदू मुस्लिम लाओ, रोज मुसलमान नहीं कहते तो मुल्लों की स्टोरी लाओ यार, मुल्लों को पकड़ो, जाओ मुनव्वर राणा से कुछ बुलवाओ विवादित, देखो उस मुसलमान ने क्या बोल दिया। आर अनिल्स कन्फेशंस मियरली एलिगेशंस? इज ही ट्राइंग टू थ्रो मक एट एन ऑर्गेनाइजेशन ही वाज प्लानिंग टू क्विट? Why should we take Anil's allegations seriously? Anil also did part of what he claims he was asked to do. Take a look at this video. Such is the mission of some TV channels to spread Hindu-Muslim hatred that they don't even spare children. Here is Anil apparently towing the editorial line of his organization and questioning young Muslim children to show them in a bad light. Madrasa mein kya classes kaise chal rahi hai hum aapko dikhate hain. लग रहा टीचर नहीं है, कहाँ गए टीचर साहब? टीचर तो नीचे हैं अभी, जी जी नीचे हैं। नहीं नहीं बदमाशी नहीं करेंगे, अभी टीचर आ गए। किस क्लास, कौन सी क्लास है ये? एक अच्छा दो की है। अच्छा दो है जी, जी। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे एक अच्छा दो में पढ़ते हैं ये। क्या नाम है? अब्दुल अजीम। अब्दुल अजीम। किस क्लास में पढ़ते हो? दो। दो में? यार आप तो बहुत छोटे हो, लग ही नहीं रहा, तो लग रहा नर्सरी केजी वाले हो। दो में कैसे पहुँच गए? मुझसे कहा गया था कि अच्छे मदरसे में नहीं जाना है, जो बिल्कुल थके हुए मदरसे हैं, बिल्कुल फालतू के, जहां जैसे टूटे फूटे वहां जाना है, वहां से दिखाना है, तो मदरसे मैंने ढूंढे हैं भाई, नौकरी करनी है तो करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री कौन है हमारे? नहीं पता है। नहीं पता? नरेंद्र मोदी जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है पता है? पता है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। भारत का कैपिटल क्या है? भारत की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? नहीं पता है। नाम क्या है हमारे प्रधानमंत्री का? हाँ, दुनिया के सबसे बड़े नेता हो गए तो पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है बेटा? पीएम मोदी। पीएम मोदी। Anil's case is not a one-off case. It is an open secret among the journalist community that such rules are set in not just one channel, but many channels across the board. Anil has spoken not just for himself,
but the entire community of journalists, camera persons, production engineers, news coordinators, anchors, and many others who continue to work in news organizations, knowing fully well that they are doing journalism by pawning their conscience. It is an open secret that TV reporters are asked to push, shove, hound, and sometimes even grab and hold the interviewee close so that bites are not missed. There are channels where journalists are told that if they do journalism, they may get thrown out of the company in a few days. But if you wash the dirty laundry of your editor, perhaps you could rise up the organizational ladder. Journalists are taught there is nothing known as truth. There are only two forms of truth, your truth and my truth. And both can be twisted as per the organization's convenience. Young reporters are told in a fight between truth and TRPs, truth is the loser. Truth will always be the loser. It's mind-boggling to the levels to which TV reporters stoop. Here's a reporter proudly traveling on a bulldozer, and he can be seen claiming this as an exclusive. This is a story which was reported by several independent media outlets that called out the government for using the law to bulldoze the buildings of the minority communities or those dissenters of the government. Basically, the government was criticized for engaging in bulldozer politics. But many TV reporters covered this as a massive anti-encroachment drive, jumping and riding on bulldozers. MCD का जो बुलडोजर है वो शाहीन बाग पर इस वक्त पहुंच चुका है. ये बुलडोजर की तस्वीरें हैं जो कि अब शाहीन बाग इलाके में चलेगा. आप देख सकते हैं कि ये कार्रवाई अब से थोड़ी देर में अब जो शुरू होने वाली थी वो बुलडोजर अब यहाँ पर शाहीन बाग इलाके में पहुंच चुका है. जहांगीरपुरी के बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें. Many journalists who could no longer stay in such shitholes they call newsrooms moved out of journalism. They are no longer in the profession. Some of us moved out of TV journalism and continued to stay in the profession and fight for the cause of independent journalism. The hate speech ecosystem in our television channels is not regulated. Some say the media can get away with murder if it wants, because no one reports the dirty exploits of the press. We have seen journalists get away with serious crimes in the media industry. Some journalists and editors believe free press means the right to freely do anything. That is why stories of people like Anil Yadav needs to be told and retold till the last person standing in the line hears about it. Only when people are aware of these dirty secrets of media companies will they stop supporting these money-minting entities who run companies in the name of news and journalism only to peddle lies and hatred. The walls of these echo chambers of hate and propaganda in the name of journalism will come crumbling down the day people switch off these channels and turn to independent news organizations they trust.